जैसा कि आप जानते हो, मैं हमेशा आपके घर लिए में किए हुए कारपेंटर काम की वीडियो लाता रहता हूँ। यह भी नजफगढ़ के पास रावता गांव में किया हुआ कार्य है। यहाँ पर 9 समझे। दरमाइका वाले कुछ खिड़कियाँ, 2 अलमारी पत्थर वाली और 1 किचन पत्थर वाला। किचन के सामने डेकोरेशन पिलर का कार्य मैंने किया हुआ है। पूरा वीडियो देखने पर सभी कुछ डिटेल में देखने को मिलेगा। मेरे से अच्छे कारपेंटर भी इस दुनिया में हो सकते हैं और मेरे से कमज़ोर भी। इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है। यह वीडियो कारपेंटर और सभी के लिए नॉलेजेबल हो सकती है। कारपेंटरों को भी सीख मिलेगी और ओनर भी मजबूत काम करा सकते हैं। देखिए, ये अलमारी आप बाहर से देखोगे स्लाइडिंग वाली अलमारी है, और पूरे लंबे लंबे 8 फुट के पल्ले हैं इसके अंदर स्लाइडिंग के, तो 4 फुट के करीब इधर है और 4 फुट के करीब इधर है। पर आप अंदर से देखोगे ना, ये अंदर से ये पत्थर की अलमारी है, और इंजीनियर से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ये देखिए, अंदर की साइड पत्थर की बनी हुई है, ये देखिए इसके अंदर हैंगर वगैरह भी लगे हुए हैं, और इधर भी देखिए ऊपर की साइड में तो खाली इसको कवर कर दिया गया है किसी तरह से। ये देखिए, यहाँ पूरी पत्थर की अलमारी बनी हुई है, तो आप भी पत्थर की अलमारी इस तरह से अपने घर में बनवा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं आपको अलमारी दिखाऊंगा कि बनने के बाद किस तरह का लुक आता है, और पत्थर अंदर पत्थर लगा हुआ है, और इसमें कितनी बारीकी से काम किया हुआ है इसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे जो है क्या है कि 8 फुट से भी ऊपर कर रखा था, थोड़ा सा इसको पल्ले को डाउन करते हुए हमने बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इन पल्लों को लगाया है। 8 फुट के पूरे पल्ले हैं, और लंबे पल्लों का लुक ही अलग आता है, बहुत ज़बरदस्त लुक आता है। और पत्थर वाले ने जैसा डिज़ाइन अंदर दे रखा था वैसा दे रखा है। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है, ग्रेनाइट में सुराख बड़ी मुश्किल से होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से होते हैं, समझ लीजिए। अंदर की साइड में भी मान लो तीनों चारों मशीनों का यूज़ करना पड़ता है, ग्राइंडर भी, ड्रिल मशीन भी, और हैमरिंग मशीन भी। और पर जो भी आप करवाओ ना, तो ये नट जो होते हैं ना, नटों को आर पार होने चाहिए ये नट, और आर पार से टाइट होते हैं तो ज़्यादा मजबूती से बंद होते हैं। और ये देखिए, आजकल इस चटकनी का खूब बढ़िया प्रयोग किया है हमने लॉक लगाने के लिए, पत्थर के पीछे की साइड में सुराख हो गया है, ओवरलैप वाली चटकनियाँ होती हैं ये। खाने तो इसी प्रकार के हैं, ऊपर की साइड एक तरह से वो चौखट बनाकर और फिर पल्लों को लगाया गया है। ये देखिए, खाने तो सभी इसी प्रकार के हैं इसके अंदर। ये देखिए, 1 फुट बाई 1 फुट का पिलर, 11 फुट ऊंचा, 8.5 फुट चौड़ा। उसके नीचे डाइनिंग टेबल, गरम गरम चापाती साथ के साथ खाई जा सकती है। पिलर के बीचों बीच में झालर लगने हैं और ओपन एरिया में लाइटिंग होनी है। कंप्लीट होने के बाद आना हुआ तो शॉर्ट वीडियो में जरूर लाऊंगा। मित्रों ये देखिए, ये इसके किचन के बाहर का थोड़ा सा डिज़ाइन है, अभी थोड़ा सा डेकोरेशन होना है इसके अंदर, लाइट और होनी है। आ जाइए, और मैं आपको जैसा कि किचन बता रहा था, जो लॉन्ग लाइफ किचन होता है, पत्थर के अंदर भी एक लंबा किचन होता है जो ज़्यादा दिनों तक चल सके, वो किचन जो है ना यहाँ पे बना हुआ है। इसके अंदर कई खासियतें हैं, ये देखिए इतना बड़ा पल्ला है, पर इतने बड़े पल्ले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली कभी भी। ये देखिए, ये बड़े आराम से खुल रहा है। कब्जे 3 इंची के जो मजबूत वाले कब्जे होते हैं, वो कब्जे लग के और लंबे लंबे नट लगे हुए हैं इसके अंदर। और इसके बाद बड़ी बड़ी ड्रोर थी, यहाँ पे टोकरी की मुश्किल हो जाती, तो यहाँ पे इनोटेक्ट लगी हुई हैं 2। ये देखिए, दिख रही है ना साफ, ये देखिए, ये बड़े आराम से ईजी टू यूज होती हैं, बड़े आराम से ढीली ढीली चलती हैं, और थोड़ा सा धक्का मारते हैं तो सीधी अंदर चली जाती हैं। और कॉर्नर में भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ और बहुत जो है ना मजबूत कब्जे जो है ना, ऐसे आप कभी देखोगे नहीं कहीं पे। ये खुद का मिस्त्री का खुद का दिमाग होता है कि कब्जे कितने अच्छे लगाए जाएं, तो ये थोड़े से दिख तो रहे हैं पर ये कॉर्नर में हमेशा दिक्कत आती है, और कॉर्नर का कब्जा इतना मजबूत लगा रखा है कि ये कभी भी दिक्कत नहीं देने वाला, और फर्स्ट क्लास पूरा ओपन, पूरा ही पूरा ओपन हो जाता है, और अच्छे से इसको यूज किया जा सकता है। तो सिलेंडर के लिए भी एक जाली दे दी गई है, यहाँ पर भी वही उसी प्रकार से बड़ा वाला पल्ला लगाया हुआ है। बड़ा पल्ला होने के बावजूद भी ये कभी लटक नहीं सकता, पत्थर के अंदर पूरे आर पार नट लगे हुए हैं, आप ये देख रहे हो, ये नट जो है ना आर पार वाले होते हैं, मेल फीमेल नट कहते हैं, ये वाले नट लगाकर सारी चीज़ें, बास्केटें और पल्ले वल्ले सभी इसी चीज़ के मतलब आर पार नट लगाकर बना रखे हैं। 5 बास्केटें जो ज़रूरी होती है ना, वो अपनी यहाँ पे हैं, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको। ये प्लेन बास्केट थी, और इसके नीचे थाली वाली बास्केट है, थाली वाली बास्केट में ही प्लेट वाली प्लेटें भी आ सकती हैं,
और एक ही जगह पे काफ़ी सारी प्लेटें आ जाती हैं। कई बार प्लेटें बहुत सारी बास्केटें डाल देते हैं हम, तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम बहुत सारी बास्केटें उसके अंदर डाले जाएँ, तो एक आध बास्केट से भी काम चल सकता है। ये देखिए यहाँ पे एक कैटलरी जो कि सबसे ज़रूरी आइटम हुआ करता है, इसके अंदर काफ़ी सारी चम्मचें छोटी बड़ी और चक्कू वगैरह, इसके अंदर काफ़ी सारे आइटम इसके अंदर रखे जा सकते हैं। उसके बाद प्लेट वगैरह की है, इसके अंदर भी गिलास वगैरह कटोरी वगैरह इसके अंदर रखी जा सकती हैं। छोटे छोटे पतीलों के लिए भी एक बड़ी सी बास्केट, 8 इंची की बास्केट बोला जाता है, ये वाली बास्केट नीचे डाल रखी है। अब ऊपर आ जाते हैं। ऊपर में यहाँ पे क्या था कि जगह नहीं मिल पाती है कई बार हमारे को, यहाँ पे वो आर ओ आना है, उसके ऊपर गीज़र आना है, और कुछ सिस्टम भी ऐसा है कि इनको रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे हमारे को एडजस्ट फैन लगाना है, तो जो टोकरी वाला स्टैंड है वो इधर की साइड शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अंदर पानी टपकने का तो सिस्टम होता ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कभी पानी स्टोर हो भी गया तो इसको आराम से रखा जा सकता है। ये देखिए इस तरह ये डबल खाने दे दिए गए हैं यहाँ पे, मतलब तीन पार्ट पार्टीशन हो गए हैं, और सॉफ्ट क्लोज वाले कब्जे लगे हुए हैं। अब कॉर्नर में जो है ना, कॉर्नर में देखिए, कॉर्नर में कई मिस्त्री क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पट्टी दे देते हैं और उसके ऊपर कब्जा लगाते हैं, इधर की साइड में एक पट्टी दे देते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे जो है कब्जा लगा देते हैं। तो इसमें दो ही पार्ट डाले गए हैं ताकि अच्छे से यूज हो सके, कोने तक भी यूज हो सके। और इसके बाद चिमनी के लिए छोड़ दिया है, चिमनी जब आएगी तब इसको जो है ना अच्छा सा सेप बना के और इसको कर दिया जाएगा। इस साइड में भी छोटे छोटे डब्बे वगैरह कुछ रखा जा सकता है, यहाँ पे भी डबल पार्ट का करके, और इस बोर्ड को भी खूबियों से लैस था। और लॉन्ग लाइफ जिसे कहते हैं ना, मॉड्यूलर किचन हमेशा कोई ना कोई दिक्कत कर जाता है, कोने वाला पल्ला दिक्कत कर जाता है, कब्जे दिक्कत कर जाते हैं, पर इस किचन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और मेरे ख्याल से 10 साल बाद भी आने के बाद इस तरह का ही किचन मिलने वाला है। और मेरे को, मैं जब किचन बनाता हूँ तो कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आती है, और एक तरह से मेरे नंबर को भूल जाते हैं। तो ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।